इंद्राणी मुखर्जी अभी कॉन्शियस है, ड्राउजी है, वो उनको पूछने के बाद ओरल कमांड से बातें करते हैं। उन्होंने अभी उनको हमने पानी पीने को दिया है, वो उन्होंने लिया है और उनकी कंडीशन अच्छी है। हम उनको अगले 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऑब्जर्व करने वाले हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारी जो डॉक्टर फिजिशियन ट्रीट कर रहे हैं या साइकेट्रिस्ट ट्रीट कर रहे हैं उनका ओपिनियन लेके बाद में हम उनको डिस्चार्ज करने वाले हैं। क्या इंद्रानी मुखर्जी खतरे से बाहर है? हाँ, इंद्रानी मुखर्जी खतरे से बाहर है। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है, दोनों अलग अलग है। फॉरेंसिक ये मुझे ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग नहीं है, दो अलग टेस्ट है। दो अलग टेस्ट को ये इम्यूनोएसे बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट ये क्ल्यू देता है क्लिनिशियन को कि उसको कैसा ट्रीट करे, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो फॉरेंसिक लैब ही करता है। फॉरेंसिक लैब में जो साइंटिस्ट बैठे हैं ये साइंटिस्ट करते हैं, दैट इज अ रिलायबल टेस्ट। एंड GCMS जो उसको टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट 3-4 बार किया है और वो टेस्ट जो फॉरेंसिक आया है वो टेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट टेस्ट इज अ करेक्ट टेस्ट। वेयर हमको ये मिला नहीं है, उनको जो मिला नहीं है, जो स्क्रीनिंग में मिला है, दैट इज अ बोथ प्लेसेस। रिपोर्ट अगर निगेटिव है तो क्या जो ओवरडोज की बात कही जा रही थी, क्या वो गलत है? देखिए, अभी जो भी ओवरडोज का बात है इनका, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि दो चीजें होती है। हमने MRI किया जिसमें ब्रेन नॉर्मल है, हमने बाकी के टेस्ट किए उसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो क्लिनिकल फाइंडिंग पे उसका डायग्नोसिस किया जाता है और क्लिनिकल फाइंडिंग को टेस्ट हेल्प करती है कि तुम्हारा क्लिनिकल फाइंडिंग बराबर है कि नहीं है। तो इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग था वो क्लिनिकल फाइंडिंग से हमने ट्रीटमेंट दिया था, वो ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड कर गए हैं और रिस्पॉन्ड करने के बाद अभी वो कॉन्शियस है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद आप क्या कहेंगे? फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैंने बताया है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट ऑथेंटिक है।